Hello friends, we are into the last lecture of locks. पूरा का पूरा lock table अब तक सबको आ जाना चाहिए था. आशा करते हैं कि ये जो series 15 lectures की series हमने जो रखी थी 7.5-8 घंटे का schedule लगा के homework देके वो आपको समझ में आया है. ये lock के lectures आपको कभी भी reference के लिए लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आगे चल के कभी भूल गए तो यू कैन गो बैक एंड यूज इट. आज का आखिरी लेक्चर है लॉक का, तो जो बाकी है लॉक का पार्ट वो पहले कवर करेंगे और फिर हम पूरा का पूरा रिवाइज करते चलेंगे. ठीक है, तो बाकी क्या है, कॉस इनवर्स कैसे ढूंढना है ये बाकी है. सो हाउ टू फाइंड आउट द कॉस इनवर्स, प्रोसीजर बाय एंड लार्ज सेम है, एक जगह पे एक ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट एक बार समझ में आ गई, मैंने बताया भी था, हिंट भी दी थी कि क्या हो सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन चलिए सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं. व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0. व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.8973, ढूंढिए जल्दी. व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.8973, आगे आंसर, आगे आंसर सबका 26 degree 12 minutes. 26 डिग्री और 12 मिनट्स, ये कॉस इनवर्स है 0.8973 का. चलिए ढूंढो कॉस इनवर्स ऑफ 0.4955. कितना है 4955 का कॉस इनवर्स, 60 डिग्री और 18 मिनट्स. 60 डिग्री 18 मिनट्स. व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.6984, कितना है, द आंसर इज 45 डिग्री एंड 42 मिनट्स. 45 डिग्री एंड 42 मिनट्स. व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.9641. It is how much? It is 15 degree 24 minutes. 15 degrees and 24 minutes. Right? What is cos inverse of? 0.8508? What is cos inverse of 0.8508? It is 8508, 31 degree and 42 minutes. 31 degree and 42 minutes. ये एक बार आप लिख लीजिए, मैं सब answers check भी कर लेता हूँ. What is cos inverse of 0.8973? The answer is 26 degree 12 minutes. Cos inverse of 0.4955? The answer is 60 degree 18 minutes. Cos inverse of 0.6984 is equal to 45 degree 42 minutes. Cos inverse of 0.9641 is equal to 15 degree 24 minutes. Cos inverse of 0.8508 is equal to 31 degree 42 minutes. All are right. Now the tricky part. What is cos inverse of? 0.6970. How to find out cos inverse of 0.6970? बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे अक्सर गड़बड़ होती है. Cos inverse of 0.6970. अब यहाँ पे mean difference को क्या करना पड़ेगा, subtract करना पड़ेगा. मीन डिफरेंस को आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. कैन एनीवन फिगर आउट द आंसर, कैन एनीवन फिगर आउट द आंसर, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 0.6970. हम क्या करेंगे 0.6970 का ढूंढने के लिए, मीन डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट करना है, फिर हम उससे ज्यादा वैल्यू का ढूंढेंगे. इसलिए मैंने इसको तोड़ के अलग से लिया है, साइन और टैन में मिक्स नहीं किया है. यू हैव टू ओवरशूट दिस वैल्यू, कितना आएगा ओवरशूट यानी उससे ज्यादा, ये आएगा
0.06972 जो है 45 डिग्री और 48 मिनट्स, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि ये है 0.6972, मुझे चाहिए 0.6970, मीन डिफरेंस जो है 2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये सब्सट्रैक्ट हो गया 0.6970, मीन डिफरेंस 2 करस्पॉन्ड्स टू 1, सो ये 1 है, इट इज 45 डिग्री एंड 49 मिनट्स, इट इज 45 डिग्री एंड 49 मिनट्स, 45 डिग्री, ओवरशूट कर दो उस वैल्यू को, ओवरशूट कर दो, मीन डिफरेंस जो है उसको सब्सट्रैक्ट करके वहां तक लेके आओ, ओवरशूट कर दो उस वैल्यू को, मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करके उसको वहां तक लेके आओ, और उसका जो मिनट है उसको तो ऐड ही करना है, ये आ गया 45 डिग्री 48 मिनट्स। ऐसे और कुछ क्वेश्चंस लेंगे और फिर देखते हैं कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट आता है क्या। चलिए आगे चलते हैं, cos inverse of 0.9830 का cos inverse, 0.9830 को ओवरशूट करना है, सबसे नजदीकी ओवरशूटेड वैल्यू है 0 पॉइंट, ओवरशूट की गई वैल्यू है 0.9 10 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स, वो है 0.9833, वो हो गया 10 डिग्री और 30 मिनट्स, 10 डिग्री और 30 मिनट्स हो गया, लेकिन हमको 33 चाहिए, यानी माइनस कितना करना पड़ेगा 3 यानी कितना माइनस करना पड़ेगा 5 मिनट्स माइनस 3 यहां 5 मिनट्स, इट इज 0.9830 व्हिच इज 10 डिग्री 25 मिनट्स, दिस इज 10 डिग्री 25 मिनट्स, समझ में आया क्या ये क्या किया है। चलो गाइस लेट अस चेक, 0.9830 ये आता है 10 डिग्रीज, ये मुझे ये तो ऐड करना था रे ये हो गया 35, सॉरी ये ऐड करना था, ये हो गया 35, सो इट इज 10 डिग्रीज 10 डिग्री 35 मिनट्स, ओवरशूट करो, ओवरशूट वैल्यू उसका डिग्री और मिनट्स, फिर उसको नीचे कितना लेके जाना पड़ेगा वो ढूंढो, उसके करस्पॉन्डिंग मिनट्स को ऐड करो, लेकिन वो वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करो। चलो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे मेरे भी गलती हो रही है बीच बीच में, तो लेट अस स्टार्ट विथ वन मोर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं cos inverse of 0.81 0.8126 0.8126, ओवरशूट करो वैल्यू को, कितना आएगा 0.8131 व्हिच इज 35 डिग्री एंड 36 मिनट्स, इसको नीचे कितना उतारना है 5 से 5 से, 5 का मीन डिफरेंस कितना है गाइस 3 मिनट्स, 0.8126 is equal to 35 degree, इसको क्या करना है गलती मत करो, इसको करना है add 35 degree cos inverse of 0.8126 is equal to 0.8126 is equal to 35 degree and 39 minutes। चलो और revise करते हैं क्या आता है देखते हैं, वापस एक बार cos inverse of क्या है, cos inverse of 0.9632 is equal to how much, 0.9632 is equal to how much, so यह आएगा 0.9636 is 15 degree 30 minutes,
4 माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करेंगे तो 5 ऐड हो जाएगा, द आंसर इज 0.9632 इज इसका cos इनवर्स यानी इट इज 15 डिग्री 35 मिनट्स, इट इज 15 डिग्री 35 मिनट्स, लेट मी चेक, इट इज 15 डिग्री 35 मिनट्स, cos इनवर्स ऑफ 0.9632 इज इक्वल टू 15 डिग्रीज एंड 35 मिनट्स। चलिए आखिरी सवाल और पूरे के पूरे टॉपिक की रिवीजन, क्या क्या किया हमने पूरे लॉग टेबल में, और लास्ट सवाल लेते हैं cos inverse of 0.9345, तो इट इज 0.9348 विच इज 20 डिग्री 48 मिनट्स। इसमें मुझे तीन सब्सट्रैक्ट अगर करना है तो यहाँ पे 3 मिनट ऐड करने पड़ेंगे, 0.9345 इज 20 डिग्री 51 मिनट्स, इट इज 20 डिग्री 51 मिनट्स, लेट मी चेक कॉस इनवर्स ऑफ 0.9345 इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड 51 मिनट्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस इनवर्स गाइस। तो पूरा का पूरा रिवीजन सिनॉप्सिस के फॉर्म में हम लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने और किस सीक्वेंस में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा और हमने किस सीक्वेंस में पढ़ा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने समझने की कोशिश की कि नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में द नंबर इज रिटन बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में के नंबर में लिखा जाता है, इनटू द करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 10, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। 11th 12th के सब बोर्ड के आंसर्स आपको इस फॉर्मेट में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए, राइट। साइंटिफिक नोटेशन हमको क्यों चाहिए था, क्योंकि फिर साइंटिफिक नोटेशन में एक बार नंबर लिखने के बाद उसका रेसिप्रोकल हमको ढूंढते आता है, रेसिप्रोकल। फिर हमने देखा दूसरा टॉपिक रेसिप्रोकल, इसका उदाहरण समझेंगे, 378.5 इन साइंटिफिक नोटेशन इज 3.785 इनटू 10 रेस टू 2, 3.785 इनटू 10 रेस टू 2, ये था 378.5, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 10 की पावर पॉजिटिव, जितने बार शिफ्ट किया उतनी पॉजिटिव, यहां पे मैंने 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट किया इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव, और 2 बार किया इसलिए प्लस 2 प्लस आ गया। उल्टा करो, डेसिमल पॉइंट को अगर राइट में शिफ्ट कर रहे हो आप लोग तो क्या होगा आपको मालूम है, ओके, नेगेटिव और उतनी नेगेटिव जितने बार आप शिफ्ट कर रहे हो। फिर रेसिप्रोकल निकालने का काम किया, 3.785 इनटू 10 रेस टू 2, इसी का रेसिप्रोकल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 10 रेस टू 2 ऊपर चला जाएगा, 10 रेस टू माइनस 2 हो जाएगा, और 3.7 का 8 में मीन डिफरेंस 5, 3.7 का 8 में मीन डिफरेंस 5, 2646 माइनस 4, 2 क्योंकि मीन डिफरेंस इज टू बी सब्सट्रैक्टेड, 2646 माइनस 4 2642 0.2642 इनटू 10 रेस टू माइनस 2, 0.2642 इनटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2, 3.785। मैं हर कोई चीज चेक कर रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क व्हाटसोएवर। थर्ड टॉपिक हमने देखा नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ढूंढा जाता है। स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए क्या करते हैं गाइस, वी एक्सप्रेस द नंबर बिटवीन हाउ मच, 1 to 100 स्क्वायर रूट इनटू 10 रेज टू द पावर इवन नंबर, इनटू 10 रेज टू द इवन पावर, और वैसे जैसे हो जाता है इवन पावर उसका आधा करके निकालो, इसका स्क्वायर रूट जो है लॉग टेबल से निकालो, कैसे देखो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, 378.5
which is 3.785, and we want to find square into, of course, 10 raised to 2. 3.785 into 10 raised to the power 2. 10 raised to the power 2 ka root aayega 10 raised to 1. 3.7 ka. 3.7 ka. Kisme? 8 mein. 3.7 ka. 8 mein. Kitna hai? 1.944. Mean difference 5. Mean difference 5. That is 1. 1.945. 1.945 into 10 raised to 1, that is 19.45. check karte hai hamara answer barabar hai kya? Yes, 19.45, there is no problem whatsoever. Chautha topic, fourth topic which we did was finding out powers and factorials, was finding out power and factorial. तो बड़ा ही आसान था वो, पावर का तो कुछ नहीं, 1 टू 100 नंबर दिए हुए, उसके आगे स्क्वायर दिया हुआ उनका, उसके आगे क्यूब दिया हुआ है, उसके आगे 10 अपॉन दैट नंबर दिया गया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर दिया है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर बिटवीन 1 एंड 100, देन क्यूब रूट ऑफ 10 इनटू दैट नंबर दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 100 इनटू दैट नंबर, और लास्ट में फैक्टोरियल. फैक्टोरियल याद है ना, 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल यानी उसके आगे क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क. सो इट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. दैट इज 7 फैक्टोरियल. कितना आता है भाई 7 फैक्टोरियल? मेरे पास डायरेक्टली ऑप्शन है 7. 5040. 5040. यो फैक्टोरियल नया वाला पार्ट था. फैक्टोरियल आपको 11 स्टैंडर्ड के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सब जगह लगने वाला है. तो ये पहला सेगमेंट था, उसको मैंने पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के एनालिसिस को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया है. पहला जो हिस्सा था वो था ये पूरा, राइट. इसका दूसरा जो हिस्सा था वो ट्रिग्नोमेट्री वाला था, इसको मिटा रहा हूं अभी मैं. पांचवा पार्ट तो उसको मैंने ऐसे किया है, 5a sin b साइन इनवर्स 6a cos b कॉस इनवर्स 7a tan b टैन इनवर्स, ऐसे इसको डिवाइड किया हुआ है. तो हर एक का एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ सिंपल क्वेश्चंस लेंगे वक्त की कमी के चलते. साइन ऑफ 29 डिग्री 51 मिनट्स, देखो कितना है. 29 का किस में ढूंढोगे आप? 29 का 48 में ढूंढोगे. 29 का 48 में कितना है? 4970. उसमें 3 का मीन डिफरेंस ऐड करना है, 3 का मीन डिफरेंस होता है 8. 4978 0.4978 0.4978. ओके, लेट मी चेक अगेन. साइन ऑफ, अरे कॉस ऑफ नहीं, साइन ऑफ 29 डिग्री 51 मिनट्स 0.4978. या साइन इनवर्स ऑफ, चलिए 0. साइन इनवर्स ऑफ 0.3159. उससे अंडरशूट वैल्यू, गाइस अंडरशूट वैल्यू, ओवरशूट किसके लिए? कॉस के लिए. 0.3156 है, कितना है वो? 18 डिग्री और 24 मिनट, दिख रहा है ना. उसमें हमको क्या करना है? उसमें 3 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 1 मिनट ऐड करना है, 1 मिनट ऐड करना है, यानी 18 डिग्रीज 25 मिनट्स. ये हो गया 18 डिग्रीज 25 मिनट्स. इसको भी मैं चेक कर लेता हूं, क्या है ये? साइन इनवर्स ऑफ 0.3159, ये आ गया 18 डिग्रीज 25 मिनट्स. ओके डन. कॉस ऑफ 51 डिग्री 25 मिनट्स, कॉस ऑफ, चलिए अगले टेबल की तरफ. कॉस ऑफ 51 डिग्री 25 मिनट्स, 51 डिग्री और 25 मिनट्स यानी 24 मिनट्स का देखेंगे
और मीन डिफरेंस एक आगे जाना है, 25 के लिए 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6237, 0.6237, 0.6237, लेट मी चेक, कॉस ऑफ कितना है 51 डिग्री, और कितना है 25 मिनट्स, कितना आता है 0.6237, यस, कॉस इनवर्स ऑफ, अभी अभी देखा है, कॉस इनवर्स ऑफ 0.5707, देखो कितना आता है 5707, डायरेक्टली आ गया 55 degrees 12 minutes, tan of 55 degree 55 minutes, tan of 55 degree and 55 minutes, 55 degree and 55 minutes, 1.4770, one come in difference is 9, 1.4779, tan inverse of 6 add 4 add 4 32 degree 50 minutes, okay, so this is how we find out, take second, pehle check, tan inverse of 0.6451, this is 32 degree and 50 minutes, yeah, that's fair enough, ye hamara dusra part tha, okay, ab sabko ek saath mein leke aa rahe hain hum log, pehla part, wapas ek baar, kya, scientific notation, phir reciprocal, phir square root, phir wo factorial, power and factorial, सेकेंड पार्ट ये था, और आखिरी पार्ट में हमने देखा, आखिरी पार्ट उसको पूरा इंटीग्रेटेड हमने देखा, क्या क्या देखा उसमें हमने, कि एक लॉग कैसे ढूंढा जाता है, ओके, पहले तो हमने उसमें क्या क्या पार्ट देखे, नंबर वन उसमें देखा हमने कि लॉग जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, हमारा जो लॉग है, मराठी में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, देवनागरी में लिख रही, हमारा लॉग जो है इट इज टू द बेस 10, हमारा जो log है, it is to the base 10. फिर हमने देखा rules देखे log के, हमने rules देखे log के. Log के rules में क्या देखा? Log of AB is equal to log of A plus log of B. Log of A by B is equal to log of A minus log of B. Log of A raised to X is equal to X log A is equal to X log. फिर fourth देखा log कैसे ढूंढा जाता है. फिर fifth देखा एंटी लॉग कैसे ढूंढा जाता है, फिर सिक्स देखा सिंपल मल्टीप्लिकेशन, फिर देखा सिंपल डिवीजन, फिर ये दोनों का इंटीग्रेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर देखा नाइन्थ में पावर वाले क्वेश्चंस, रेस टू 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे कैसे ढूंढे जाते हैं, और फिर देखा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड पावर, ये तीनों को ऐड, ये तीनों को एक ही क्वेश्चन में लेके हमने ये समझने की कोशिश की कि ऐसे क्वेश्चंस लॉग से कैसे ढूंढे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा लॉग का कौन सा नंबर है भाई? नंबर है 15। 15 लेक्चर 7.5 से 8 घंटे में हमने ये खत्म किया है। इसमें प्रैक्टिस किसको लगती है ये आपको बता देता हूँ। इसमें लॉग और एंटी लॉग या लॉग कैलकुलेशंस को इतना आसान नहीं है। यहाँ पे जब समझाया जाएगा लॉग और एंटी लॉग कैसे ढूंढा जाता है तो बड़े आराम से आ जाता है। इसलिए हम आपको क्वेश्चंस देते रहते हैं कि लॉग करके देखिए, सॉल्व करके देखिए। तो इसके बाद लगभग हमने 2-2.5 वीक इसके ऊपर काम किया है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को डेली डेली डिफिकल्ट वाले ये मल्टीप्लीकेशन डिविजन और मल्टीप्लीकेशन जो है उसको पूरा साथ में आने वाले क्वेश्चंस को डेली आपको कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डेली हम आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो 3 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको चेक करना है कैलकुलेटर के ऊपर कि क्या आपका आंसर उतना आ रहा है। थोड़ा सा प्लस माइनस है, लास्ट का डिजिट है, सिर्फ लास्ट के डिजिट में अगर प्लस माइनस है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आ रहा है इस्तेमाल करते हुए। धीरे 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 स्पीड बढ़ता है, बोर्ड के पेपर्स में या बाद में एंट्रेंस के वक्त भी वो स्पीड बड़ा
काम की चीज है वो, क्योंकि हमारे बाकी के क्वेश्चंस में लगने वाला वक्त कम हो जाता है। ठीक, तो आज का काम लॉक का, आज का काम नहीं, पूरा लॉक का काम खत्म हो गया है। आज का लेक्चर भी खत्म होने को है, हम लोग काम खत्म कर देते हैं अभी लॉक का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू ऑल दिस लॉक कैलकुलेशन स्टफ सो पीसफुली, एंड मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व इट। बहुत सारे लोग मुझे सॉल्व करके भेज रहे। आई होप दैट आपको इसके आगे 2 साल लॉक कैलकुलेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी आशा के साथ हम लोग लॉक का एक लंबा चौड़ा काम 15 लेक्चर करो देते। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।